नजर आ रही। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और लेक्चर शुरुआत करने से पहले जी, सबसे पहले तो मुबारक हो जी, आप लोग सारे प्रमोट हो चुके हो नेक्स्ट सेमेस्टर में, और सिक्स सेमेस्टर में आ गए, तो बेसिकली यू आर वेरी क्लोज टू योर एंडिंग ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने के लिए मिला है वो बेसिकली उसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, और आज जो हम लोग लेक्चर कवर करेंगे वो 1 होगा, और 1.1 यानी 1.5 आवर्स का होगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है और हम सॉफ्टवेयर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑल दो जब हम लोग कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। हम सॉफ्टवेयर के बारे में ये तक पढ़ते आए हैं कि सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली एक प्रोडक्ट है, वो क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन को चेंज करता है, जो क्या कर सकता है, वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है किसी के लिए। ठीक है, और साथ साथ क्या करता है, वो किसी प्रोडक्ट को मैनेज कर सकता है। सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर सकता है। सॉफ्टवेयर और क्या कर सकता है, एज अ प्रोडक्ट किसी चीज़ को तब्दील कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। इसके अलावा किसी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करें गूगल मीट। तो जो सॉफ्टवेयर गूगल मीट है ये बेसिकली क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी चीज़ को मैनेज कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हासिल, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और इसके साथ साथ मॉडिफाई करने के लिए, कोई चीज़ शो करने के लिए, या आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि सॉफ्टवेयर का काम ये होता है बेसिकली कि वो किसी भी हार्डवेयर को अपना डाटा पहुंचाता है। ठीक है, और आगे हार्डवेयर का काम होता है डाटा को आगे पहुंचाना। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर मैं यहाँ से कॉल करूँ हसनैन निसार को, तो बेसिकली मेरे सॉफ्टवेयर ने क्या किया कि इंफॉर्मेशन उठाई, और इन्फॉर्मेशन उठाकर आगे किसको सेंड कर दी, टावर को। टावर क्या चीज़ थी, एक हार्डवेयर था। ठीक है, और हार्डवेयर ने क्या किया, आगे से इंफॉर्मेशन जो है वो किसी दूसरे को सेंड कर दी, या किसी दूसरे मॉड्यूल को सेंड कर दी। अब इसके अंदर सद्दफ और आयशा को प्लीज़ कोई बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल दे कि अच्छा जी। उसके बाद ये हुआ कि हो गया, हम ये कह सकते हैं जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर और नेटवर्क्स, बेसिकली हार्डवेयर और कम्युनिकेशन के साथ होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी क्या होती है, सॉफ्टवेयर बेसिकली एक गाड़ी की तरह होता है, या एक हम कह सकते हैं कि एक व्हीकल है जो क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। किस किस मेथड में हम ये देखते हैं कि वो किसी दूसरे प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सूरत में, जैसे हमारा विंडोज़ है। अब अगर हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तब ही हम लोग जो है आगे कोई प्रोग्राम चला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है, जैसे मेरी और आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है गूगल मीट क्या कर रहा है, मेरी आवाज़ है, मेरा डाटा आप लोग तक पहुँचा रहा है, तो ये नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है। इसी तरह सॉफ्टवेयर वो क्या कर सकता है कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप लोग डेव C++ यूज़ करते रहे हो, तो उसमें क्या हुआ, आप कोडिंग करके एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हो। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर टूल्स और इन्वायरमेंट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये कि सॉफ्टवेयर को किन किन तरीकों से बयान किया जा सकता है। नंबर वन, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चीज़, आपने उसको इनपुट दी और उसने क्या किया, उसकी आउटपुट दे दी। तो हम इसको कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को ऐसा डिफाइन किया जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन लेता है और देता है। नंबर टू है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो कि आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके मेमोरी के अंदर किसी चीज़ को स्टोर करा सको। डाटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने नहीं पढ़ा था ना, डिफरेंट मेथड्स जो अप्लाई होते हैं कंप्यूटर हार्ड डिस्क के ऊपर, जिससे डाटा को सेव किया जा सकता है मेमोरी में। यही चीज़ है कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, बेसिकली एज अ डाटा स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया जा सकता है, जो मेमोरी में कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसके अंदर सेव करवाएगा। नंबर तीन चीज़ है डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर जो है वो एज अ डॉक्यूमेंट भी डिफाइन किया जा सकता है, जो क्या कर सकता है कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे उसके ऊपर, और फिर उन ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए हम लोग कोई दूसरा प्रोग्राम या उस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकेंगे। एक सिंपल सी एग्जांपल है सॉफ्टवेयर की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके बाद क्या होता है कि अब उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को बेसिकली आप आगे फर्दर किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरी लाइन ये चल रही है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोडक्ट जो होता है
वो दो तरह के होते हैं, एक होता है जेनेरिक, एक होता है बीस्पोक। बीस्पोक को बेसिकली मार्केट ड्रिवन भी बोला जाता है, ठीक है। जेनेरिक सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप या आपके पबजी गेम्स, ठीक है, या कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बेसिकली किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए ना बनाया गया हो, उसको हम जेनेरिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लिखा हुआ आपके पीसी के लिए एक्सेल या वर्ड जो है वो बेसिकली जेनेरिक सॉफ्टवेयर है। बीस्पोक या हम लोग बीस्पोक को बेसिकली मार्केट ड्रिवन भी बोला जाता है। मार्केट ड्रिवन में क्या चीज़ होती है अच्छा जी, मार्केट ड्रिवन में ये चीज़ होती है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक बंदे के लिए बनाया गया हो, मिसाल के तौर पर मस यूनिवर्सिटी का CMS। अब मस यूनिवर्सिटी का जो CMS है वो एक स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाया गया है या एक स्पेसिफिक बंदे के लिए बनाया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो CMS बनाया गया है मस्ट का, या मिसाल के तौर पर मैं किसी बंदे को ऑर्डर देता हूँ कि वो मेरे कॉलेज के एडमिशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना कर दे, तो उसने क्या किया, जनरली वो सॉफ्टवेयर सिर्फ मेरे लिए बनाया और वो मार्केट में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इस सूरत में हम लोग ये कहते हैं कि इस तरह का अगर कोई सॉफ्टवेयर हो तो हम उसको बीस्पोक या कस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा जी, देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि हार्डवेयर जो होता है उसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है किसी भी कंपनी के अंदर, उसको बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, उसको मतलब कोडिंग के थ्रू किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हार्डवेयर में VR आउट होता है। VR आउट का मतलब होता है चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसको चेंज करने के, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बेसिकली हम लोग जब भी कोई एरर आता है तो हम उसको ठीक करके उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर में क्या होता है, इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू बनाया जाता है, मिसाल के तौर पर ICs हो गए, सर्किट्स हो गए, सर्किट बोर्ड अलग लिया, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो कस्टम बिल्ड होता है। ऑब्वियसली बात है कि आप पहले किसी और तरीके से बना रहे होते हो, लेकिन ऐसा ऐसा आप टाइम को मद्देनज़र रखते हुए उसको चेंज करते हो, ठीक है। हार्डवेयर को बनाना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि आपने एक बार सांचा बना लिया और उसके बाद आपने जिस तरह हार्ड डिस्क अगर बनानी है, एक बार आपने बना ली और बार बार आपने उसी को ही यूज़ करते हुए वो चीज़ करनी है। सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सॉफ्टवेयर पूरा डिपेंडेंट होता है हार्डवेयर के ऊपर। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि अगर आप लोगों में से कोई बंदा कोई सॉफ्टवेयर विंडोज़ 8 में इंस्टॉल करे तो थोड़ा मुख्तलिफ होगा सॉफ्टवेयर, और कोई बंदा अगर उसको विंडोज़ XP में इंस्टॉल करेगा तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ये चीज़ फ़र्क होती है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। जो अभी हम लोगों ने ऊपर ये पढ़ा ना, इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ होती है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे, कि जब भी कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट डेवलप होता है ये बहुत मुश्किल होता है या इम्पॉसिबल होता है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकें। मिसाल के तौर पर आज अगर ये iPhone 6s बन चुका है, ठीक है, या iPhone आपके पास मोबाइल फ़ोन है, और किसी कंपनी को इसके अंदर कोई चीज़ तब्दील करनी पड़ जाए तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए आपको सारी चीज़ें वापस मंगवानी पड़ेंगी, या अगर सॉफ्टवेयर मतलब कोई चीज़ इसके अंदर अपडेट करनी है, कोई नई चीज़ लगानी है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के लिए बहुत मैटर करता है और बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा, हार्डवेयर में क्या होता है, अगर इस तरह का कोई इशू आ जाए तो हार्डवेयर को क्या करना पड़ता है, हार्डवेयर डिपार्टमेंट वालों को, लोगों को हायर करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उनका काम आसान हो सके। जबकि सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा नहीं होता, सॉफ्टवेयर के अंदर ये होता है कि जब एक चीज़ के अंदर हम तब्दीली जब हमने करनी होती है तो वही बंदा उसके अंदर तब्दीली कर सकता है। देखो, हम सबके पास फ़ोन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आज अगर मैं ये बोलूँ कि इस फ़ोन के अंदर एक ऐसा फीचर ऐड कर सकें जिसकी वजह से हम कोई सेंसर थंब का यूज़ कर सकें, तो ऑब्वियसली बात हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो बिल्टिंग फंक्शन है ही नहीं है, उसके अंदर चिप नहीं लगी हुई, ठीक है। बट जब आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर की अपडेट आती है तो फ़ोन आपका वही रहता है, सिर्फ आप ओके पे क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, अपडेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, हार्डवेयर का जो होता है उसमें ये होता है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो रादर देन जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर के, लेकिन वो वन टाइम होती है जब आप उसको बना रहे होते हो, उसके बाद हार्डवेयर कितनी वर्थ नहीं रहती। सॉफ्टवेयर हमेशा जब भी अपडेट होगा उसकी कॉस्ट जो होगी वो मैटर करेगी। अच्छा जी, एक हम ही ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मेरे माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम शुरू हुआ तो फेलियर रेट जो था हार्डवेयर का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि शुरू में जब कोई चीज़ आती है नई मार्केट के अंदर तो हार्डवेयर के अंदर बेशुमार इशूज निकलते हैं, ठीक है। तो ये देखें, वक्त के साथ साथ जो है इसके अंदर जो है वो हार्डवेयर की फेलियर इशूज कम होते गए टाइम के साथ साथ, जब टाइम ज़्यादा होता गया। मिसाल के तौर पर जिस तरह जब iPhone 1 आया था तो शुरू में इसमें बड़े इशूज़ थे, लेकिन ऐसा ऐसा करते 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 उसको ठीक किया गया। थोड़े टाइम बाद मतलब 4 या 5 साल बाद क्या हुआ, उन iPhones की सपोर्ट ख़त्म होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास इश्यूज़ दोबारा आना शुरू हो गए। तो वी आर आउट इसको कहते हैं, इश्यूज़ दोबारा राइज हो जाना ड्यू टू एनी इम्पैक्ट। इसमें लिखा हुआ है हार्डवेयर इफेक्ट हो सकता है, डस्ट की वजह से होता है, टेम्परेचर या
इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जबकि हम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ होती है कि शुरू में बहुत मसले आते हैं हमारे पास, माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, फिर वक्त के साथ साथ क्या होता है कि ये इश्यूज़ कम होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमें कोई मसला नज़र आ जाए जो बहुत बड़ा एरर हो, हम क्या करते हैं यहाँ से इसको ठीक करते हैं, लेकिन जितनी देर में होता है ये ऊपर चला जाता है, फिर से ज़्यादा इशू जो आया है, उसके बाद हम जब इस इशू को सॉल्व करते हैं तो दोबारा ये ग्राफ नीचे आ जाता है। इसी तरह वक्त के साथ साथ हमें बेशुमार इशूज़ फेस करने पड़ते हैं और हम इशूज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे देखे लिखा हुआ है मैंने हार्डवेयर कंपोनेंट वियर्स आउट, इट इज रिप्लेस्ड बाय द स्पेयर पार्ट। क्या हार्डवेयर अगर कोई इशू आ जाए तो उसको स्पेयर पार्ट से चेंज किया जाता है। सॉफ्टवेयर में स्पेयर पार्ट नहीं होता, सॉफ्टवेयर में जब भी कोई इशू आएगा, जब भी कोई फेलियर होगा, तो वो क्या करेगा कि उसकी कोडिंग को, इसके डिज़ाइन को चेंज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उस चीज़ को तब्दील करना, उसको मेनटेन करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर हसनैन ने कोडिंग लिखी हुई है और जहन को बेशक कोडिंग आती है और मैं जहन को बोलूँगा हसनैन का कोड पढ़ के बताओ इसका क्या मतलब है, तो हसनैन जहन को समझ नहीं लगेगी इतनी जल्दी। ये थोड़ा सा एक इश्यूज होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फेलियर फॉर सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी बात की है कि हार्डवेयर जो होते हैं बेसिकली वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, डिज़ाइन होता है उनका, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो होता है कस्टम बिल्ड होता है। मिसाल के तौर पर मेरे बनाने का तरीका कुछ और है, हसनैन किसी और तरीके से बनाएगा, शहीद किसी और तरीके से बनाएगा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बेसिकली एक ही तरीका होता है और सारे हार्डवेयर उसी चीज़ के ऊपर बनते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि सॉफ्टवेयर की जो इंडस्ट्री होती है बेसिकली ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर जा रही है, कि मतलब मैं एक मॉड्यूल बना लूँ, फिर दूसरा बना लूँ, फिर तीसरा बना लूँ, और मतलब जिसने पहला बनाया उसके अंदर कुछ चेंजेस की, फिर मैंने दूसरा बना लिया, फिर दूसरे में चेंजेस की, फिर तीसरा कर लिया, इस तरह, ठीक है। सॉफ्टवेयर की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या होती हैं। सॉफ्टवेयर की पहली करैक्टरिस्टिक ये है कि सॉफ्टवेयर जो है उसको डेवलप किया जा सकता है या उसको इंजीनियर्ड किया जा सकता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप मेथड के थ्रू किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर को कभी मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, किसी भी कंपनी के अंदर नहीं बनाया जा सकता। नंबर दो, सॉफ्टवेयर जो होता है वो कभी भी वियर आउट नहीं होता। एक मिनट, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट नंबर टू में हम लोग बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर की नेचर क्या होती है और सॉफ्टवेयर किस किस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है अगर हम जनरली बात करें। सर बात सुने? हाँ जी जी बोलें। इसका लिंक दोबारा सेंड हो जाएगा व्हाट्सएप में, क्योंकि देख दो स्टूडेंट को नहीं एरर आ रहा है, फेल हो रही है। हाँ, कर लेना, वही लिंक वही का वही रहता है, वही का वही रहता है। अगर दोबारा आप सेंड कर दें, पता नहीं उसको क्यों इशू आ रहा है। उसको एक मिनट ठहरो, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्लीज माइक्रोफोन अपने ऑफ रखें। ओके जी। अच्छा जी, इसमें हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की नेचर किस किस तरीके की हो सकती है, सॉफ्टवेयर किस किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सॉफ्टवेयर जो है वो कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है। मिसाल के तौर पर मेरा लैपटॉप में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में बात करूँ तो हो सकता है मेरी USB के ड्राइवर्स जो हैं, या मिसाल के तौर पर मेरे डिस्प्ले के जो ड्राइवर्स होते हैं, या मिसाल के तौर पर कीबोर्ड का ड्राइवर, माउस का ड्राइवर, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बेसिकली यूज़र अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोबी, इसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं आप लोग, इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली हम उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो यूज़र अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे इंजीनियरिंग में PLC प्रोग्रामिंग जो होती है, या साइंटिफिक सॉफ्टवेयर में लेटेक्स जो होता है, बेसिकली इस तरह के जो सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको इंजीनियरिंग या साइंटिफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। इम्बेडेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर अपने आप को मर्ज कर सकता हो, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो PDF रीडर फॉर्टेक्स होता है वो बेसिकली उसके अंदर इम्बेंड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही उसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ऑटोमेटिकली वो उस वर्ड फाइल को वो PDF में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको इम्बेडेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिफरेंट सीरीज के साथ एक ही तरह के प्रोडक्ट होता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, लेकिन हर बंदे का जो लाइसेंस की होता है वो मुख्तलिफ होता है, विंडोज़ का भी लाइसेंस की मुख्तलिफ होता है लेकिन विंडोज सेम होती है, तो उस सूरत में उसको प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वेब एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस या वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वेब बेस्ड होती हैं। मिसाल के तौर पर आपका फेसबुक, आपका ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम, यानी वो सारे सॉफ्टवेयर जो वेब पे चलते हैं लेकिन एज अ सॉफ्टवेयर ही बिहेव करते हैं, हम उनको बेसिकली वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपको नबील साहब पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं वो आपको बताएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ लेनी है, मैं होती हैं वो सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट होती हैं। इसमें देखिए सबसे पहला तो ये मिथ्स होता क्या है, बिलीव्स अबाउट सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस यूज टू बिल्ड इट, यानी एक ऐसी चीज़ें, ऐसी मतलब ऐसे यकीन करने वाली बातें जो सॉफ्टवेयर के बारे में या उसके बनाने के बारे में की जाती हैं, और बेसिकली ये ऐसी एट्रीब्यूट्स होती हैं जो बहुत डेंजरस कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जी इसमें बेशुमार किस्म के जो है ना मिथ्स होते हैं। सबसे पहले हम मैनेजमेंट मिथ्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होती है उसको डिसिप्लिन या किसी प्रेशर या बजट को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना जो दिमाग में बातें आती हैं या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टाइम पे डेटा को डिलीवर करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने के लिए जो मिथ्स आती हैं हम उसको बेसिकली मैनेजमेंट मिथ्स में कहते हैं। मैनेजमेंट मिथ्स में पहली चीज़ क्या आती है कि हमारे पास तो किताब मौजूद है जिसके अंदर सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है किसी सॉफ्टवेयर को डिवेलप करने के लिए, तो मुझे तो पहले से सारी चीज़ें पता हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है लोगों को बताने की कि हर चीज़ बताने की इस चीज़ के बारे में, जबकि रियलिटी इसकी क्या है कि क्या ये ज़रूरी है कि जो सॉफ्टवेयर चलाने वाले लोग हैं उनको पिछले स्टैंडर्ड्स का पता होगा। या मिसाल के तौर पर है कि कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और कंपनी को लगता है कि मैंने सारी बुक तो बना दी है और लोगों को पता होगा, ये बुक मैं साथ दूंगा, तो क्या लोगों को पहले से पता होता है इस चीज़ का कि क्या मतलब सॉफ्टवेयर काम करेगा या इस तरह चलेगा? नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एक मैनेजर ये सोचता है कि जो सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूँ या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल यूज़ करने लगाऊँ या वो स्टेप्स यूज़ करने लगाऊँ जिसके थ्रू मैं सॉफ्टवेयर बनाऊँगा, वो मॉडर्न जो तरीका है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, मॉडर्न तरीके से बनाए जा रहे हैं, और क्या मिसाल के तौर पर ये कम्प्लीट है या इसको टाइम पर इतना इम्प्रूव किया जा सकता है कि इट इज़ स्ट्रीमलाइन्ड टू इम्प्रूव टाइम टू डिलीवर व्हेन इट स्टिल कंटिन्यूज अ फोकस ऑन क्वालिटी, कि जब मैं क्वालिटी पे फोकस कर रहा हूँ तो क्या जो है मैं उसको टाइम पे डिलीवर कर सकता हूँ? तो ये वो सारी मिथ्स हैं बेसिकली। मैनेजमेंट मिथ्स में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि ठीक है यार कि मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बहुत मतलब लेट होता जा रहा है, तो ऐसा किया जा सकता है कि मैं ज़्यादा प्रोग्रामर ऐड करूँगा तो जो काम होगा वो मेरा जल्दी हो जाएगा। रियलिटी ये है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो बेसिकली हार्डवेयर की तरह नहीं होता, तो अगर आप जितने ज़्यादा प्रोग्रामर्स हायर करोगे वो आपके लिए प्रोजेक्ट में उतना ही बड़ा मिस्टेक क्रिएट करेगा। मिसाल के तौर पे कि कंपनी ने मुझे एक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर दिया हुआ था बनाने के लिए कि आप हमारा CMS बना कर दें, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि CMS बनाया, कंपनी को लगा कि यार ये तो बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसा करता हूँ मैं 4-5 प्रोग्रामर्स और रख लेता हूँ। क्या प्रोग्रामर्स की मेरे साथ कंपैटिबिलिटी है? क्या जो जिस तरीके से मैं काम करता हूँ प्रोग्रामर बाकी भी उस तरीके से काम कर सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोग्रामर ऐसी कोई मिस्टेक कर दे जिसकी वजह से सारा का सारा काम जो पहले से ही बना हुआ है वो खत्म हो जाए? ये सब चीज़ें जो होती हैं बेसिकली ये मिथ जो होता है ये इस चीज़ से रेलिवेंट होता है। इसकी रियलिटी ये है कि लोग जो होते हैं वो बेसिकली लोगों को ऐड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए उसको इस तरीके से प्लान करना चाहिए और उसको इतने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करना चाहिए जितने भी एग्जिस्टिंग लोग हैं कि उसको बड़े अच्छे तरीके से शेड्यूल से पहले ख़त्म किया जा सके। तीसरा मिथ देखते हैं कि मिसाल के तौर पर कि अगर एक सॉफ्टवेयर है और मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया, आउटसोर्स का मतलब ये है कि हसनैन ने मुझे बोला कि सर ये मुझे आप बनाकर दें, सॉफ्टवेयर बनाकर दें, और आगे मैंने किसी और बच्चे को दे दिया और मैंने बोला कि ठीक है यार मैंने तो किसी तीसरे बंदे को दे दिया, मैं कुछ पैसे लूँगा और बाकी पैसे उसको दे दूँगा, तो क्या मुझे रिलैक्स होने, मैं तो अब रिलैक्स होकर आराम से बैठ सकता हूँ एज अ मैनेजमेंट? लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका सबसे बड़ा फोकस जो होता है वो होना चाहिए उसका सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसको कंट्रोल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है अगर थर्ड पार्टी है बीच में। तो अगर मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठूंगा और एंड पे आके कोई मसला तीसरी पार्टी को पड़ जाता है या वो नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली बात है कि हसनैन को जिम्मेदार या दूसरे बंदे को जिम्मेदार तो मैं हूँ जवाब देने के लिए, क्योंकि ऑर्डर तो मुझे दिया गया है, बोला तो मुझे गया है। तो ये एक रियलिटी है जो बेसिकली इस मिथ में इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, कस्टमर के मिथ्स क्या होते हैं? वो बंदे कस्टमर यहाँ पर सॉफ्टवेयर मिथ में वो बंदा समझा जाता है जो सॉफ्टवेयर को परचेज करता है, ठीक है। लिखा हुआ कस्टमर में बी अ पर्सन फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द कंपनी दैट रिक्वेस्टेड अ सॉफ्टवेयर एंड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो बंदा जो किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है जो कंपनी के अंदर हो सकता है या कंपनी के बाहर हो सकता है। अच्छा, पहला मिथ देखते हैं क्या है। पहला मिथ ये है कि जनरल स्टेटमेंट मतलब जो कस्टमर है वो ये कह सकता है कि मैंने तो प्रोग्रामर को जो है ना शुरू की थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी हैं, तो वो क्या करेगा कि उसको चीज़ को डेवलप करके दे सकता है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अच्छा, दूसरा मिथ ये भी है इसके अंदर के
जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, या मिसाल के तौर पे मैं, मेरी जो तब्दीलियाँ हैं, मैं चेंजेस जो हैं वो मैं आराम से बाद में भी करवा सकता हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो इतना फ्लेक्सिबल होता है, इतना मतलब उसके अंदर एबिलिटी होती है कि उसको तब्दील किया जा सके। रियलिटी ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो आप अपनी पहले से क्लियर ना दो और बंदा अपना काम शुरू कर दे। देसी तरह है कि स्नैन मुझे बोल दे कि कॉलेज का CMS बनाना है मैंने, और मुझे सिर्फ वो इतना बताया कि कॉलेज का CMS करना है, और वो ये सोचता रहे बाद में कि ठीक है अभी मैं सर को बाद में बता दूंगा कि इसके अंदर रोल नंबर जो है ना वो इस तरीके का होना चाहिए। अब जो प्रोग्रामर के लिहाज से जो है रियलिटी ये है कि जब इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो हाफ होती हैं या पूरी नहीं होती, पार्शल होती हैं, या मिसाल के तौर पर जो रिक्वायरमेंट्स वो बार बार चेंज करवा रहा होता है, उसकी वजह से सॉफ्टवेयर पे बहुत बड़ा मसला बनता है। ठीक है, इसकी वजह से सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन भी चेंज होता है, सॉफ्टवेयर का साइज़ भी चेंज होता है, और उसके अलावा जो उसकी कॉस्ट होती है, उसके जो पैसे होते हैं, क्योंकि वो मेंटेनेंस सेक्शन में आ जाता है फिर, तो वो भी बढ़ती जाती है। अभी हम सॉफ्टवेयर मिथ्स की बात कर रहे थे, ये देखें ज़रा, जब हम लोगों को कोई मिसाल के तौर पर ये बताता है कि जी डेफिनेशन, यानी जब उसने रिक्वायरमेंट हमें बताई है, तो उस सूरत में देखें कि कितना मतलब कॉस्ट में ना फ़र्क आता है, मतलब कि 1 crore है, मतलब थोड़ा सा ही है अगर शुरू में उसने रिक्वायरमेंट्स मुझे कंप्लीट नहीं बताई। डेवलपमेंट में अगर वो मुझे कोई चीज़ तब्दीली बता रहा है, तो उसकी वजह से देखें कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाकर मुकम्मल कर दिया, कस्टमर को सारी चीज़ें सेंड कर दी, और तब मुझे कस्टमर कह रहा है कि मुझे बीच में से ये चीज़ें चेंज करके दो, तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर में हर चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप होती है। तो इस सूरत में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ये देखें चेंज यहाँ पर आया, जिसकी वजह से कॉस्ट कितनी बढ़ गई है इसकी। ठीक है, तो जब रिलीज़ के बाद सॉफ्टवेयर के अंदर कोई तब्दीली मांगी जाती है, उसकी वजह से कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। प्रैक्टिशनर मैथ्स, प्रैक्टिशनर वो बंदा होता है जो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है। वो बंदा पहले कस्टमर था, कस्टमर वो बंदा था जिसने सॉफ्टवेयर को परचेज करना था, प्रैक्टिशनर वो बंदा है जिसने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना। जिस तरह हमारे कॉलेज के अंदर प्रैक्टिशनर कौन होगा, फरहान भाई, जो बेसिकली आप लोगों का CMS को चलाते हैं। ठीक है, पहली मिथ यह है कि मैंने तो सारा प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, और मैंने इसका वर्क भी कर दिया, सारा कुछ कर दिया, तो मेरा काम तो मुकम्मल हो गया। ठीक है, और इसकी रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो प्रैक्टिशनर में ये चीज़ होती है, ये अगर आप देखें इंडस्ट्री डेटा इंडिकेटर्स दैट बिटवीन 60-80% ऑफ ऑल एफर्ट एक्सपेंडेड ऑन अ सॉफ्टवेयर विच विल बी एक्सपेंडेड आफ्टर इट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर फॉर द फर्स्ट टाइम। कि जब आपने कस्टमर को पहली बार कोई सॉफ्टवेयर बनाकर दिया है, तो उस सूरत में जो प्रैक्टिशनर होता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ है कि राधा आपको मैं कोई बोलूँ कि ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आपने इस प्रोजेक्ट के लिए, या आपने इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है जैसे हमने वेब के लिए एटम यूज़ किया था, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि एटम को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यही वो चीज़ बताई जा रही है कि जब प्रैक्टिशनर जो होता है वो ये समझता है कि सारा कुछ तो आ गया मेरे पास, सॉफ्टवेयर तो रेडी हो गया, तो अब मेरा काम तो मुकम्मल हो गया। ऐसा नहीं है, आपको सीखना पड़ता है उसके लिए। मिथ नंबर टू देखते हैं क्या है। मिथ नंबर टू ये है कि अचानक जी मैं प्रोग्राम जब तक सॉफ्टवेयर चल के रन करके मेरे पास नहीं आएगा, यानी जब तक सॉफ्टवेयर मेरे पास हाथ में नहीं आ जाएगा, लैपटॉप में जब तक वो इंस्टॉल नहीं हो जाएगा, मैं उसकी क्वालिटी को असेस नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को नहीं बता सकता कि वो सॉफ्टवेयर अच्छा है या बुरा है। रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि जब सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस होता है, सिस्टम होता है, उसमें होता यही है कि प्रोजेक्ट के हर फेज़ के अंदर स्पेशली रिक्वायरमेंट एनालिसिस में वो इस चीज़ को लाजमी असेस करता है बंदा प्रैक्टिशनर, कि जी इसके अंदर ये इशूज़ हो सकते हैं, तो बेहतर है इसको अभी सॉल्व कर दो, रादर देन के पूरा सॉफ्टवेयर बनाकर आप मुझे हाथ में दोगे और बोलोगे अपने सिस्टम में चलाओ, तब मैं जान सकता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। रियलिटी क्या है कि आपको करना ये चाहिए कि प्रैक्टिशनर को उसको सबसे पहले ही एड्रेस कर देना चाहिए जितने इशूज़ उसको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मिथ नंबर टीना और थ्री है, ओनली डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट आर फॉर द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज़ वर्किंग प्रोग्राम। ठीक है, उसका मतलब ये है कि हमेशा वो प्रोडक्ट ही सक्सेसफुल माना जाता है जो मुकम्मल रेडी हो जाए, ऐसा भी नहीं है। समटाइम क्या होता है कि आप अभी प्रोजेक्ट के 50-60% काम पे पहुंचे होते हो और आपका काम आपको पता चल जाता है इसी से कि यार ठीक है ये काम इस तरीके से चल रहा है तो ठीक है, या गलत है, या क्या सिस्टम है, और इसको आगे चलाना है नहीं चलाना, तो किसको किस मेथड्स के थ्रू चेंज करना है। जो लोग फ्री लांसिंग करते हैं उनको प्रैक्टिशनर मिथ्स बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, क्योंकि जब उनको ऑर्डर आता है अगर कस्टमर बीच में ही बोलते चीज़ चेंज करने का, तो वो सर हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने वो काम किया नहीं होता। लेकिन जब हम किसी को लोगो या वेबसाइट डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद वो मुझे कहता है यार नहीं मुझे कलर स्कीम नहीं पसंद आई, तो उसको चेंज करना फिर जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिशनर के लिए, सॉरी डिवेलपर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये देखें जिसकी रियलिटी ये है कि
वर्किंग प्रोग्राम इज़ ओनली द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन डेट इंक्लूड्स मैनी एलिमेंट, डॉक्यूमेंटेशन साथ होनी चाहिए। ये जो मिथ नंबर 3 लिखा हुआ है ना कि जो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है हली वही सक्सेसफुल है, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, जबकि डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है इसकी सक्सेसफुल इंजीनियरिंग के लिए। मिथ नंबर 4 है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि अगर वो आपको बेशुमार कॉपियाँ बनाकर दे दे और अननेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाकर दे दे तो क्या होगा कि वो हमारे काम को जो है वो बेसिकली स्लो कर सकता है। ऐसी बात नहीं है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसका काम यही होता है कि वो क्या करे कि डॉक्यूमेंट्स बनाए और विद स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर जो है वो काम करे। खाली ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आपको डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे देने, बल्कि उसने ऐसा काम करके देना है कि आपका जो है चेंजेस कम से कम मांगी जाएँ उससे, और नंबर 2 चीज़ ये हो कि वो आपके रिजल्ट को ज़्यादा फास्टर तरीके से दे सके, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप उसको तब्दीलियाँ करने का बोलोगे उतनी ही जल्दी वो बेसिकली आपको डिलीवर कर सकेगा। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, आज आप लोगों को एक वेबसाइट पे ऑर्डर आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग या डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग क्वालिटी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स बनाने को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कहेंगे, एक अच्छी क्वालिटी को बनाना जो कम से कम तब्दीलियों को कह सके और एक ऐसा रिजल्ट आपको दे जो ज़्यादा फास्टर हो, उसको बेसिकली हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलेंगे। तो ये जो मिथ है कि हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर देंगे तो उसकी वजह से काम स्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अच्छी चीज़ होती है। तो